जब भी हम एक नई गाड़ी लेने का सोचते हैं, हमारे मन में एक ही क्वेश्चन आता है, क्या वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है? किया ने कारंस लॉन्च करके ये क्वेश्चन और जरूरी बना दिया। इसीलिए आज हम किया कारंस का द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी द प्रेस्टीज प्लस, किया कारंस प्रेस्टीज प्लस का डिटेल्ड वॉकअराउंड आपके लिए लेकर आए हैं कि क्यों मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है या नहीं, एंड में बताऊंगा अगर ये नहीं है तो फिर कौन सा। लेकिन अगर आप किया कारंस लेने का सोचो तो बिल्कुल सही जगह पर है, बिकॉज एंड में किया कारंस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन में दूंगा कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, यानी कि किस पर्सन को कौन सी गाड़ी या कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। हम शुरू करते हैं किया कारंस के डिटेल्ड एक वॉक अराउंड के साथ प्रेस्टीज प्लस का रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। कारंस के प्रेस्टीज प्लस मॉडल यानी कि एक वैल्यू फॉर मनी मॉडल में आपको बहुत बढ़िया इंजन यहाँ पर मिल जाते हैं। माइलेज की बात हो या फिर रिवाइंडमेंट की, अब 1.4 लीटर का जो टर्बो चार्ज इंजन है कितनी जगह यूज हो रहा है, क्रेटा में तो हो ही रहा है, सेल्टोस में भी हो रहा है और इसमें भी किया जा रहा है, और क्यों ना किया जाए, वो एक बेहतरीन इंजन है। पावर आपको हमेशा मिल जाती है, एक यू नो टॉर्क की इंजन रहता है, 242 न्यूटन मीटर की टॉर्क कम नहीं होती, 140 पीएस की पावर कम नहीं होती, एक्सप्रेशन वाइज बेहतरीन इंजन है। और रिफाइनमेंट की जहां पर बात आती है तो पेट्रोल हो चाहे डीजल दोनों ही बहुत रिफाइंड है, ऑन करो पता भी नहीं लगता यार इंजन चल रहा है नहीं चल रहा, तो डेफिनेटली इंजन को तो मैं 10/10 आराम से यहां पर दे सकता हूं। नाउ इफ यू मूव ऑन टू द माइलेज, माइलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। माइलेज वाइज यहां पर आपको सिटी की अगर बात करें तो अराउंड 12-13 के आसपास मिल जाती है, एंड द हाईवेज पे बात करें तो 17-18 इन द पेट्रोल, डीजल में 2-2 किलोमीटर पर लीटर और बढ़ा लो तो एक बहुत ही बढ़िया पैकेज जो है वो आपको यहाँ पर कंसिडर करने को मिल जाता है। हाँ, कई लोगों की सिटी में माइलेज कम आ रही, लेकिन नोएडा जैसे शहर में ये 12 की माइलेज निकाल देती है सिटी में, दिल्ली में जाओगे तो 10 की माइलेज हो जाएगी, ये बात पक्की है, क्योंकि 7 DCT अगर कन्वर्टर हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हैं तो आपकी माइलेज थोड़ी सी कम आती है, मैनुअल में आप बेटर थोड़ा चला के बेटर माइलेज निकाल पाओगे। अब ये गाड़ी बेहतरीन प्राइस पर आती है, चाहे आपने पेट्रोल लेना हो चाहे आपको डीजल लेना हो, यहाँ पर इसके प्राइसिंग में लगा देता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नाउ इस प्राइस में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको मिलते हैं और बहुत सारे फीचर्स ऐसे नहीं मिलते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब बारी आती है कि इस प्राइस में आपको मिलता क्या क्या है। तो प्रेस्टीज प्लस में अगर हम इतनी प्राइस पे कर रहे हैं एक शोरूम, तो आपको LED ये DRL सिग्नेचर मिल जाते हैं किया की तरफ से, डेफिनेटली बहुत अच्छे लगते हैं। फ्रंट डिजाइन में आपको क्रोम का इस्तेमाल भी देखने को मिल जाएगा। एलॉय व्हील्स में 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स इसी मॉडल से मिलने शुरू हो जाते हैं, तो डेफिनेटली पसंद आते हैं। अगर हम ओवरऑल टायर साइज की यहाँ पर बात करें तब आपको अच्छा खासा 205/55R का मिल जाता है, जो कि एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन कंपेरेटिवली थोड़ा कम लगता है, बट इसका बेनिफिट क्या मिलता है, बेटर हैंडलिंग के साथ साथ आपको माइलेज भी अच्छी मिल जाती है। डिस्क ब्रेक आपको ऑल फोर तो मिल ही जाएंगी सेफ्टी के नाम पर, उस पर यहाँ पर ORVM स्टर्न इंडिकेटर, रूफ रेल आपको मिल जाते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर इन दिस मॉडल आपको मिलने लग जाता है। अगर हम क्लैडिंग की बात करें तो वो भी आपको इस मॉडल में मिलती है विद अ लिटिल बिट ऑफ क्रोम, ये तो भाई ने बाहर से लगवाया है, ये क्रोम है और नीचे वाला क्रोम मिल जाता है, तो इसकी वजह से जो ऐसा यू नो देखने में लगता नहीं है कि ये एक प्रेस्टीज प्लस या मिडिल मॉडल है, टॉप मॉडल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। लुक वाइज तो डेफिनेटली ये टॉप मॉडल वाली फील आपको दे ही देता है। अब बारी आती है किया कारंस के एक हाईलाइट की। बेस मॉडल से ही जब इन्होंने 8.99 लाख की थी उसके बाद प्राइस जरूर बढ़ा दी, लेकिन सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। 6 एयरबैग्स इन्होंने स्टैंडर्ड कर दिए सारे वेरियंट्स में, 6 एयरबैग्स, ABS EBD तो मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड, हिल डिसेंट, ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स और टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम जैसे जो फीचर्स हैं वो बेस मॉडल से ही कर दिए, और प्रेस्टीज प्लस में भी ऑब्वियसली आपको मिलेंगे ही, तो ये एक कमाल की बात मुझे नजर आती है। अगर अब हम प्रेस्टीज प्लस की बात करें इंटीरियर में, तो किया का यहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है विद SMC यानी कि स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, सारे बटन यहीं पर है, हॉर्न सेंटर से आप बजा पाएंगे। टच स्क्रीन की बात करें तो टॉप मॉडल वाली नहीं, प्रेस्टीज प्लस में आपको 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है विद एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले, वो भी वायरलेस, तो वो एक चीज़ अच्छी लगती है। आपको यहाँ पर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल मैंने बताया स्टैंडर्ड, फुली ऑटोमेटिक आपको AC मिल जाएगा, नॉब्स जिसके बहुत प्यारे लगते हैं, और उसके साथ साथ आपको कूल्ड आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं, ग्लव बॉक्स में भी अच्छी खासी स्टोरेज आपको ऑफर की जाती है। यहाँ पर अगर बात करें तो स्टोरेज ऑफकोर्स मिल जाएगी, हैंड ब्रेक आपको नॉर्मल मिलेगी, कप होल्डर इस तरफ मिलेंगे, स्टेयरिंग आपको जो है वो टिल्ट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता, उस चीज़ का ध्यान जरूर रख लें।
पुश बटन स्टार्ट आपको मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल भी इस मॉडल में मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि इस मॉडल में मैनुअल आयर में मिलेगा, ऑटो नहीं। लाइट्स एलईडी नहीं है, हेलोजन है, लेकिन सनग्लास होल्डर आपको ऑफर किया जाता है। प्लस अगर हम इसकी बात करें यानी कि सनशेड की, तो यहाँ पर आपको टिकट होल्डर मिलता है, मिरर या फिर वैनिटी लाइट नहीं मिलती है, बट इट्स ओके। यहाँ पर आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इस तरफ आपको लाइट कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि ऑटोमेटिक है, हालांकि वो हेलोजन है, वो एलईडी नहीं है, उस चीज़ का ध्यान भी जरूर रख लें। प्रेस्टीज प्लस में आपको जो मिसिंग लगेगा वो वेंटिलेटेड सीट जरूर फील होंगी कि वो नहीं है, लेकिन फैब्रिक सीट जो इसकी है क्वालिटी काफ़ी अच्छी मुझे लगी है। डोर साइड पर आपको स्टोरेज काफ़ी मिल जाती है, एक बॉटल रख सकते हैं, अम्ब्रेला रख सकते हैं, उसके अलावा फाइल्स भी हैं और ऊपर भी थोड़ी सी स्टोरेज मिल जाती है फॉर योर वायर्स, टिश्यूज, नैपकिन एंड ऑफकोर्स डोर हैंडल करने के लिए भी। प्रेस्टीज प्लस की एक और अच्छी बात, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो पूरा डिजिटल मिल जाता है, बट ध्यान दें बीच में एक स्क्रीन है जो हमेशा इल्यूमिनेटेड रहती है, जो बाकी का हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर आरपीएम वगैरह का काम करेगा, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो फुली डिजिटल डिस्प्ले है, बट वो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जरूर काउंट होता है, तो उस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। सेकेंड रो में फीचर्स की बात करें तो प्रॉपर ब्लोअर स्पीड आपको मिल जाती है, साथ में आपको रियर में ही टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं फास्ट चार्ज वाले। सनशेड भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है पिछले पैसेंजर्स के लिए प्रेस्टीज प्लस में। स्टोरेज स्पेस तो अच्छी मिली जाती है, ऑफकोर्स ऑल पावर विंडोज मिल जाती हैं। यहाँ पर आप सीट पॉकेट भी आपको ऑफर की जाती है, ये वाली जो सीट है ये रिक्लाइन भी हो जाती है, तो इस चीज़ का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। इस तरीके से रिक्लाइन भी कर सकते हैं और आगे करना चाहते हैं तो आगे भी कर सकते हैं, ताकि पिछले वाला पर्सन ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ पाए। इस सीट की अगर हम ओवरऑल स्पेस की बात करें तो तीन लोग बैठ सकते हैं, उसका मेन रीज़न है कि नीचे आपको फ्लैट फ्लोर मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है फॉर योर फोन, तो वो भी एक जो ऑप्शन है वो अच्छी लगती है। सेंटर में लाइट है और रूफ माउंटेड आपको एसी विंड्स मिल जाते हैं, तो ऊपर से जो ठंडी हवा आती है ना उसका मज़ा ही कुछ और है। गर्मियों में तो बहुत ज़रूरी होता है ये, और डेफिनेटली गाड़ी स्पेशियस पूरी लगती है। और अगर मैं अब थर्ड रो की बात करूँ तब आपको थर्ड रो में भी अच्छी खासी स्पेस यहाँ पर मिल जाती है, आप जेन्युइनली प्रैक्टिकली यहाँ पर बैठ भी पाते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें तो थर्ड रो पे भी एसी वेंट्स आपको रूफटॉप मिलेंगे, लाइट भी सेपरेट मिलेगी, रियर साइड में आपको चार्जिंग पोर्ट्स भी ऑफर की जाते हैं, एक नहीं बल्कि दो दो, और कप होल्डर्स के साथ थोड़ी सी स्टोरेज भी प्रोवाइड की गई है। लेगरूम वगैरह में भी अच्छे से बैठ सकते हैं, यहाँ पर कुछ क्लिप्स आपके लिए मैं लगाता रहूँगा फॉर योर कन्वीनियंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बूट स्पेस यानी कि स्टोरेज। यहाँ पर अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, ये इसका पूरा कवर है, आप देख सकते हैं कंपटीशन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टोरेज मिलती है। और ये सीट्स अभी पूरी तरह रिक्लाइन भी नहीं है, अगर आप कंफर्टेबली बैठना चाहते हो और इसको पूरा रिक्लाइन कर देते हो तब भी यहाँ पर सामान रखने की जगह है। बहुत बड़े बैग्स अगर रखना चाहते हो तो एक ही बड़ा आएगा, दूसरा मीडियम आ जाएगा, लेकिन अगर छोटे बैग रखना चाहते हो तो तीन तीन बैग्स भी आप इजीली यहाँ रख पाओगे। सबसे ज़्यादा स्टोरेज स्पेस किया कारण्स में लिख के ले लो। यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा रिक्लाइन कर लूँ, अगर ज़्यादा छोटे बच्चे बैठे हैं तो वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल उनको करूँगा, तो 90 डिग्री पर भी अगर मैं इसको फोल्ड कर दूँ तब और ज़्यादा स्पेस हो, तो दो बड़े बैग्स आ जाएंगे। पूरा फोल्ड कर लूँगा तो छः बड़े बैग्स आ जाएंगे बहुत आराम से। तो डेफिनेटली किया कारण्स की स्पेस अच्छी मिल जाती है आपको, चाहे जौन सा मर्जी मॉडल लो। और प्रेस्टीज प्लस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं, स्टोरेज भी पूरी मिलती है और उसके साथ साथ नीचे भी आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज मिलती है फॉर यू नो सीक्रेट चीज़ें, कुछ छुपा के रखना, स्मगल करना कर लो। जो नीचे स्टोरेज मिलती है यहाँ पर भी कुछ स्टोरेज है जहाँ पर आप अपना काफ़ी सामान रख सकते हो, प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर फीचर्स की यहाँ पर बात करूँ तो आपको वाइपर के साथ साथ डिफॉगर्स, स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना और वॉशर की ऑप्शन भी मिल जाती है। रियर कैमरा जो है आपको इस तरफ मिल जाएगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, क्रोम का पूरा काम, रिफ्लेक्टर्स, टर्बो की बैजिंग, एलईडी टेल लैंप्स, ये आपको प्रेस्टीज प्लस मॉडल में मिलते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जिस वजह से मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है किया कारंस का प्रेस्टीज प्लस मॉडल। अब आपके साथ वो भी फीचर डिस्कस कर लेता हूँ जो कि इसमें नहीं मिलते हैं। प्रेस्टीज प्लस में आपको वेंटिलेटेड सीट जैसा फीचर नहीं मिलेगा, आपको पैडल शिफ्टर्स ऑटोमेटिक के साथ नहीं मिलेंगे, ऑटोमेटिक अगर वेरिएंट लेते हो तो। उसके साथ साथ आपको सनरूफ नहीं मिलेगी, प्लस आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स ऑफर नहीं किए जाते, 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग नहीं दी जाती, 8 स्पीकर सिस्टम बोस का नहीं दिया जाता, लेकिन इसका जो प्रोप्राइटरी स्पीकर है वो भी बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आपको मिल जाती है। तो जैसा कि मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि जो टॉप मॉडल वाले फीचर्स हैं लग्जरी प्लस वाले वो आपकी नेसेसिटी नहीं है, वो आपको चाहिए तो ठीक है, एक फीलिंग होती है कि यार टॉप मॉडल लेंगे यार उसमें सारे फीचर्स हैं वही लेना है, तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा प्रेस्टीज प्लस आपको सही मिल जाता है। आपने ये वीडियो देख ही ली है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
गाड़ी चलाने में भी बहुत अच्छी रहती है ये मॉडल। वैल्यू फॉर मनी इसका डीजल वेरिएंट भी ले सकते हो, अगर आप ऑल ओवर इंडिया दिल्ली एनसीआर के अलावा कहीं भी आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है तो डीजल आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इंजन जेन्युइनली बहुत बढ़िया है, मक्खन है मक्खन। इफ़ यू टॉक अबाउट द पेट्रोल, तो अगर आप दिल्ली एनसीआर एरिया में रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है तो पेट्रोल टर्बो आप कंसिडर कर सकते हो। अब रही इसकी बात बाकी वेरियंट्स की, तो आई पर्सनली बिलीव कि किया कारंस का प्रीमियम मॉडल यानी कि बेस मॉडल उनके लिए जो ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते लेकिन उनको एक 7 सीटर बड़ी गाड़ी चाहिए, 7 सीट्स नहीं भी चाहिए तो पिछली फोल्ड करके एक बड़ी बूट स्पेस वाली गाड़ी चाहिए, तो 9.59 लाख के शोरूम प्राइस पे एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन बहुत सूट करता है इस गाड़ी को, बाद में उसमें मॉडिफिकेशंस करवा सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते तो प्रेस्टीज प्लस उनके लिए जिनको जितने फीचर्स होने चाहिए वो चाहिए तो वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। जो लग्जरी प्लस है यानी कि टॉप मॉडल, वो फील गुड फीचर्स हैं, वो ज़रूरी नहीं होते, वो एक नेसेसिटी नहीं होते, वो आपको बस एक चाहिए होते कि यार लेना तो टॉप मॉडल लेंगे, सनरूफ लेंगे, एलईडी हेडलैम्प्स लेंगे, इस तरह की चीज़ें लेंगे, तो उस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रख लें।